Did you know that 50% of all the people who had a heart attack had a normal cholesterol level? क्या एक healthy lifestyle के बाद भी आपका heart risk पे हो सकता है? क्या कोई ऐसा simple सा test है जिसे करके हमें ये idea लग सके कि heart disease का risk है या नहीं? इस video में हम बात करने आए calcium score के बारे में। हम सब लोगों ने इसके बारे में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अपने आसपास जरूर सुन रखा होगा। हम जानेंगे calcium score क्या है और इसकी क्या importance है? और दूसरा, कैल्शियम स्कोर से आपको अपने हार्ट हेल्थ के बारे में क्या पता चलता है। तो कैल्शियम स्कोर, जिसको हम CAC यानी कि कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम भी कहते हैं, तो कैल्शियम स्कोर एक नॉन इन्वेसिव मेथड है हार्ट की आर्टरीज में एक्सटेंट ऑफ कैल्शियम को जानने का। ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं? तो इसको यूज किया जाता है रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको जानने के लिए इन पेशेंट्स, इन पीपल हु आर एट इंटरमीडिएट रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। यानी कि अगर आपको चांसेस हैं कि हार्ट डिजीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो उसमें अगर हमको छांटना हो कि वो कौन से लोग हैं जिसमें हमें फर्दर डाउनस्ट्रीम टेस्टिंग करनी चाहिए हार्ट डिजीज के लिए, ऐसे में कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोर कम्स इन वेरी हैंडी। इस टेस्ट में करते क्या है? तो बेसिकली हार्ट का इसमें CT स्कैन किया जाता है एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम CT एंजियोग्राफी। CT एंजियोग्राफी में कंट्रास्ट का यूज करते हैं, कैल्शियम स्कोर निकालने के लिए कंट्रास्ट देने की जरूरत नहीं होती है। CT एंजियोग्राफी हमें आर्टरीज की एनाटॉमी की डिटेल्स दे देता है, इतनी डिटेल्स नहीं देता है। इससे हमें सिर्फ रिस्क है या रिस्क नहीं है इसके बारे में पता चल सकता है। इस टेस्ट का रिजल्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिससे हमको एक्सटेंट ऑफ कैल्शियम इन कोरोनरी आर्टरीज का पता चलता है। जितना ज्यादा स्कोर उतना ज्यादा कैल्शियम और उतनी ही ज्यादा ब्लॉकेजेस होने के चांसेस। अभी कैल्शियम आ कहाँ से रहा है? तो यूजुअली जो हार्ट में हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं, प्लाक्स होते हैं, उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन एज ए डीजेनरेटिव चेंज होता है और जो कैल्शियम स्कोर है इसी एक्सटेंट ऑफ कैल्शियम को पिकअप करता है। यानी कि जितना ज्यादा स्कोर उतने ज्यादा चांसेस ब्लॉकेजेस के होने के। स्कोर जीरो है यानी कि डिटेक्टेबल कैल्शियम कुछ भी नहीं है और हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ही लो है। और अगर 0 से 100 है तो कैल्शियम की एक्सटेंट कम है और हार्ट डिजीज होने के चांसेस लो है। अगर आपका स्कोर 100 से 400 के बीच में कहीं है तो ये चांसेस हो सकते हैं कि हार्ट डिजीज हो, चांसेस है, शायद ना, इंटरमीडिएट रिस्क कहते हैं इसे, मॉडरेट रिस्क है। और अगर आपका कैल्शियम स्कोर 400 से ज्यादा है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा रिस्क है कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का, ब्लॉकेजेस के चांसेस होने का। अब कैल्शियम स्कोर से सिर्फ हम रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन ही नहीं करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि फर्दर ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन भी क्या हमें करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कैल्शियम स्कोर लो है यानी कि हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ही कम है, तो कोई फर्दर टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, आप आराम से जैसे चल रहा है एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीत रहे हैं। लेकिन अगर आपका कैल्शियम स्कोर ज्यादा है, इसका मतलब इसमें हमें फर्दर डाउनस्ट्रीम टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको अपनी लाइफ स्टाइल में कई सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे और इसके अलावा आपको चलेंगे कुछ दवाएं हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग के पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कि अपना कैल्शियम स्कोर करा के देखना चाहते हैं डिस्पाइट हैविंग टिपिकल सिम्टम्स। कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जिनको कुछ भी नहीं होता है, सिम्टम्स कुछ नहीं होते हैं, बट फॉर रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन दे वांट टू अंडरगो अ कैल्शियम स्कोर टेस्टिंग। कैल्शियम स्कोर कम्स इन वेरी हैंडी इन अ वेरी स्पेसिफिक सबसेट ऑफ पेशेंट्स। अगर आपको टिपिकल सिम्टम्स हैं, अगर आप एट वेरी हाई रिस्क हैं, आप स्मोक करते हैं, डायबिटिक हैं, बड़ा हुआ ब्लड प्रेशर रहता है, उसके साथ आपको चलने फिरने में चेस्ट पेन हो रहा है या ऐसा दर्द हुआ कि जैसे अटैक्स आ गया हो, तो आप कैल्शियम स्कोर आपकी क्वेश्चन का आंसर नहीं करे, वहाँ पे अदर टेस्ट सच एज एंजियोग्राफी, स्ट्रेस टेस्टिंग विल आंसर आवर क्वेश्चन कि हार्ट डिजीज की हम बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर पीपल हु हैव एब्सोल्युटली नो सिम्टम्स, हु आर एट वेरी लो रिस्क, 20 साल, 25 साल, 30 साल आपकी उम्र है, आप में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो शायद उसमें भी कैल्शियम स्कोर से हम बहुत ज़्यादा आपकी केस में हम कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। मोस्ट लाइकली कैल्शियम स्कोर आपका 0 ही रहेगा। कैल्शियम स्कोर कम्स इन हैंडी इन पेशेंट्स हु आर एट इंटरमीडिएट रिस्क। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैल्शियम स्कोर इज नॉट अ परफेक्ट प्रिडिक्टर ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ऐसा नहीं है कि कैल्शियम स्कोर हमें हार्ट के बारे में बहुत परफेक्टली बहुत इंफॉर्मेशन दे देता हो। अगर आपको ब्लॉकेजेस हो बट ब्लॉकेजेस बहुत सॉफ्ट हो, चांसेस है कैल्शियम स्कोर बहुत ही लो है, फेलिशियसली लो। अगर आपको किडनी डिजीज है जिसमें आपकी हर जगह की आर्टरीज कैल्सिफाई हो गई, उसमें भी आपका कैल्शियम स्कोर ज्यादा आएगा, फेलिशियसली हाई, डिस्पाइट एंड यू माइट इवन हैव अ नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी बट योर कैल्शियम स्कोर वुड बी वेरी हाई। कहने का मतलब कैल्शियम स्कोर को रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन में अदर टूल्स, अदर इन्वेस्टिगेशंस के साथ यूज किया जाए तो हमें ज्यादा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कई लोग जिनको रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के लिए कैल्शियम स्कोर एडवाइस किया जाता है, उनका एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली ये होता है कि क्या इससे मुझे बहुत ज्यादा रेडिएशन का एक्सपोजर तो नहीं होगा। कैल्शियम स्कोर यूज करने के लिए जो CT स्कैन यूज किया जाता है उसमें 1 to 2 mSv का रेडिएशन एक्सपोजर होता है। अगर इसको मैं एक्सरे के टर्म्स में बताऊँ तो एक चेस्ट एक्सरे में आपको 0.1 mSv का रेडिएशन एक्सपोजर होगा।
इसका मतलब एक कैल्शियम स्कोर को पता करने में रफली आपको 10 टू 20 चेस्ट एक्सरसाइज जितना रेडिएशन एक्सपोजर होता है। कुछ लोग अपना कैल्शियम स्कोर नॉर्मल आने के बाद पूछते हैं, क्या हम इसको अपने एनुअल हेल्थ पैकेज के साथ करा लें, क्या हम इसको रेगुलरली करा के देखते रहें। तो कैल्शियम स्कोर को रूटीन स्क्रीनिंग के लिए, रेगुलर टेस्टिंग के लिए यूजुअली नहीं रिकमेंड किया जाता। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, अगर आपको रिस्क फैक्टर नहीं है, इसे बार बार करके देखने का मतलब नहीं है। इसे रिपीट करने का पॉइंट तब है जब रिस्क फैक्टर्स में और आपके क्लिनिकल स्टेटस में खुद चेंज आ जाए, आपकी कुछ उम्र ठीक ठाक बढ़ जाए, आपको आगे चल के डायबिटीज हो जाए, ब्लड प्रेशर रहने लगे, फ्यूचर में कैल्शियम स्कोर को रिपीट करके देखा जा सकता है। बट एनुअल हेल्थ पैकेज में से करके देखा, इट इज प्रॉब्ली एन ओवरकिल एंड बीट। अब इसके बाद आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात, कैल्शियम स्कोर बढ़ के आ गया था तो इससे हमारे ट्रीटमेंट पे क्या चेंजेस पड़ेगा। कैल्शियम बढ़ के आने पे कार्डियोलॉजिस्ट फर्दर टेस्ट वगैरह करके तो देखेगा ही कि हार्ट डिजीज है या हार्ट डिजीज की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ट्रीटमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आ जाता है, स्टैटिंस। अगर कैल्शियम स्कोर आपका जीरो नहीं है तो इसका मतलब शायद कुछ ब्लॉकेजेस, शायद कुछ प्लाक्स पड़े हुए हैं। अगर आपका कैल्शियम स्कोर थोड़ा ठीक ठाक बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि शायद कुछ ब्लॉकेजेस बने पड़े हैं एंड विच माइट रिक्वायर स्टैटिंस। स्टैटिंस जिसे आप पॉपुलरली कोलेस्ट्रॉल की दवा के नाम से जानते हो। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की इस दवा का पर्पस कोलेस्ट्रॉल ठीक करना नहीं है, उस प्लाक को स्टेबल रखने का है, उस प्लाक को प्रोग्रेस होने से रोकने का है। इसी की ठीक उलट अगर मैं बात करूँ, अगर आपका कैल्शियम स्कोर जीरो आ जाए, वहाँ पे स्टैटिंस की कोई जरूरत आपको लेने की नहीं है। अगर पहले से चल रहा था तो इसको डिसकंटिन्यू करने के बारे में भी सोचा जा सकता है। कैल्शियम स्कोर के बारे में तो जान लिया, सीटी एंजियोग्राफी क्या होती है और इसे हम क्यों करते हैं, ये वाली वीडियो जाके देखो।